फॉलिक्यूलाइटिस बालों के फॉलिकल्स की सूजन है, जो किसी भी शरीर के हिस्से जहां बाल होते हैं में बैक्टीरियल संक्रमण की वजह से होती है। इसका सबसे आम सामने आने वाला हिस्सा चेहरे, बस यार, सीना, पीठ और जांघ है। ये एक स्किन कंडीशन है जो किशोरियन में आम है, लेकिन सभी उम्र के लोग इसमें प्रभावित हो सकते हैं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। डायबिटीज, एचआईवी, एड्स, होपेटाइटिस और कैंसर जैसी बीमारियों वे लोगों को फॉलिक्यूलाइटिस होने की आशंका अधिक होती है। फॉलिक्यूलाइटिस दो प्रकार की होती है, सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल फॉलिक्यूलाइटिस का सबसे आम प्रकार बार्बर्स इच है और स्टेफिलोकॉकस ओरियस बैक्टीरिया से होता है। इसमें दाढ़ी वेल हिस्से और अक्सर ऊपरी होठ वेल हिस्से पर दिखाई देते हैं। दूसरा प्रकार स्टाई कहलाता है, जो आंख के पलक पार होता है। जब सूजन गहरी टिश्यूज तक बढ़ती है तो एक डर्मल एब्सेस होता है। जब ये चेहरे पार होता है तो आईसी साइकोसिस बार्बे वल्गरीज कहा जाता है, और जब शरीर के दूसरे हिस्सन में होता है तो आईसी फ्यूरनकल या बॉल कहा जाता है। फॉलिक्यूलाइटिस अक्सर छोटे लाल रंग के पस भरे डेन के रूप में दिखाई देता है, जिसके बीच बाल फांस जाते हैं। ये ल्यूश अक्सर दर्दनाक, सूजन आई हुई और खुजली वेल होते हैं। आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन के आधार पर डायग्नोसिस करेगा। फॉलिक्यूलाइटिस बालों के फॉलिकल्स की खराब होने की वजह से बैक्टीरियल संक्रमण से होता है। अक्सर शेव करने से या टैंग कपड़े पहने रखने से फॉलिकल्स चोट खाते हैं। फॉलिकल्स की बंदिश और बैक्टीरियल संक्रमण भी इसका कारण है। आपके डर्मेटोलॉजिस्ट एंटीबायोटिक्स जैसे डाइक्लोक्सेसिलिन, सिप्रोफ्लोक्सेसिन या सेफेलेक्सिन को पहले उपचार की पहली पसंद के रूप में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर कोई संतुष्ट परिणाम नहीं मिलता है तो क्लाइंडमाइसिन, प्राइमेथोप्रिन सल्फमेथॉक्सेजोल, माइनोसाइक्लिन या लाइनजोलिड जैसे एंटीबायोटिक्स का सौझव दिया जा सकता है। उपचार प्रतिरोध और पुनर्वर्तन के केसेस में म्यूपाइरोसिन ऑटमेंट की सलाह दी जाती है। फंजाई से होने वाली फॉलिक्यूलाइटिस के लिए एंटीफंगल क्रीम प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। हल्की केसेस में एंटीबैक्टीरियल सोप और अच्छी हैंड वॉशिंग तकनीक का इस्तेमाल काफी होता है। अच्छे स्किन क्लेंजिंग रेंज में सटफिल एंटीबैक्टीरियल बार या फिसोडर्म डेली जैसे हल्का क्लेंजर का उपयोग आपके बाथ या शॉवर के साथ होना चाहिए। जिद्दी फॉलिक्यूलाइटिस को लेजर हेयर रिमूवल सिस्टम के जरिए इलाज किया जा सकता है, जो आमतौर पर फालिज में इन्फेक्शन का सबब बनते हैं। लेजर हेयर रिमूवल सिस्टम एक शदीद रोशनी की दस्तियाब होती है, जो बालों के फॉलिकल्स की रंगत का निशाना बनती है। पल्स्ड लाइट सोर्स जल्द हाई बालों के जरों तक ताकत पहुंचता है और बाल की पैदाइश को बैंड कर देता है, जिससे इन्फेक्शन होने की इम्कान कम हो जाते हैं। बीमारी से बचना हर हालत में इलाज से बेहतर है, इसलिए फॉलिक्यूलाइटिस से बचने के लिए ये टिप्स फॉलो करना जरूरी है। सब लियंस ठीक होने तक कम से कम एक माह तक शेव नहीं करना चाहिए। रेजर्स शेयर ना करें और रोजाना इस्तेमाल किए जेन वेल रेजर्स को नए से रिप्लेस करें। इलेक्ट्रिक रेजर के हेयर्स को अल्कोहल सॉल्यूशन में एक घंटा तक भिगो कर रखें, ताकि बैक्टीरिया और फंजाई का विकास नहीं हो सके। अपनी साफ सुथरी शख्सियत को बनाए रखें, रोजाना एक या दो बार गर्म पानी से नहाएं। ओली एमोलिएंट्स, क्रीम बेस्ट सन टैन ऑल, टार और ग्रीस वेल प्रोडक्ट्स से कांटेक्ट ना करें। रोजाना साफ कपड़े पहने, ताकि फिर से इन्फेक्शन होने की संभावना कम हो। नखून छोटे और साफ रखें। टैन कपड़े ना पहने ताकि रगड़ ना हो। बाथरूम की बाथटब को नियमित रूप से साफ करते रहे। सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया नियमित नहीं की जाती है तो उससे दूर रहे।